हेलो गाइस, दिस इज़ योर होस्ट फ्रॉम ट्रिकोलॉजी। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रही थी बीच में, तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब से मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा और आपके लिए क्लाउड माइनिंग और हॉटबेड और दूसरे इश्यूज़ की वीडियो ज़रूर रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करता रहूँगा। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहली ज़रूरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लेट्स बिगिन। सो गाइज, आज की वीडियो बेसिकली हॉटबिट के ऊपर मैं बनाने के लिए आया हूँ, और ये लोगों के सवालात के जवाब के बेसिस पे मैं आया हूँ कि लोग जो मुझसे पूछते रहते हैं कि हॉटबिट का क्या होगा, उसके बेस पे हैं। आपके कुछ कमेंट्स भी हैं, उनका भी मैं रिप्लाई दूंगा। सही है। और हॉटबिट की कुछ बेसिक टर्म्स और जो उसका आगे फ्यूचर है उसके हवाले से भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना है, आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि इसमें आपका सवाल कब आ जाए यू नेवर नो। सही है। तो सबसे पहले तो मैं हॉटबिट पे चले जाता हूँ और इम्पॉर्टेंट बात कर लेता हूँ। 18 सितंबर बिल्कुल आखिरी डेट है हॉटबिट की। सही है। इसके बाद हॉटबिट की कहानी हो जाएगी ख़त्म। तो ये आखिरी विड्रॉल अनाउंसमेंट है हॉटबिट की। अगर आपके पास USDC या नेक्सो कॉइन्स वगैरह हैं तो आप विड्रॉल लगा दें, ताकि आपको 18 सितंबर पे मिल जाए आपका विड्रॉल। सही है। सो गाइस, अब मैं सवालात की तरफ बढ़ जाता हूँ। सबसे पहला सवाल जो मैंने दो दिन पुराना एक बंदे ने क्वेश्चन किया हुआ है कि हाउ आई डोंट नो हॉटबिट माई एसेट्स, आई डोंट नो वॉट इज़ बेस्ट वे माई एसेट, प्लीज़ हेल्प मी, थैंक्स। सो This guy asked me a question in English. I am replying him. So mate, you need to watch my videos in which I have provided full details that how you can withdraw your assets and what is the key steps to withdraw your assets. Okay, you will see these are the videos over here, and in this video you will find out the answers of your questions. Okay, so this was the first question. Second question, how to withdraw. I have made several videos on how to withdraw. You need to check my YouTube channel. You will find the video to withdraw. How to withdraw for Hotbit, same answer. Current market value ke according my asset is around 10K. They give me only $28.89 and Hotbit 2814. DF ship they will return. सो द फैक्ट इज़ कि भाई, आपका जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है। सही है, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ द टर्मिनोलॉजीज उन्होंने बोला है कि हम डेफिसिट एसेट्स देंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि वो पूरी एंटायरली अमाउंट करेंगे, क्योंकि डेफिसिट एसेट्स वो होते हैं, एक तो वो भी होते हैं जो आपके ज़्यादा कॉइन्स और क्रिप्टोज एक्सेस अमाउंट में एक्सचेंज में पड़े हुए, उनको भी डेफिसिट एसेट्स कहते हैं, लेकिन उस पर एक और चीज़ अप्लाई हो जाती है कि अगर हॉटबिट के एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस से ज़्यादा लग रहे होंगे तो हॉटबिट उसमें से अपने चार्जेस काटेगा, कट करके आपको अमाउंट देगा। सही है। तो हॉटबिट ने आपको अमाउंट कट करके दी होगी जब भी आपको ये इस तरी इतनी अमाउंट रिसीव हुई है। सही है। और जो शिबा वगैरह की बात है, तो ये बात आपको मैं आगे बताऊंगा कि इसका क्या सीन है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इन्होंने भी कोई सवाल किया है, हिंदी में लिखा है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ। आफ्टर ऑल देयर वॉज अ फियर दैट हॉटबिट हैड डिफॉल्टेड एवरीवन। सो मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ कि आप ये कमेंट्स देख रहे हैं, इस बंदे को हॉटबिट ने पैसे दे दिए हैं जितने दे सकता था, और मुझे नहीं पता ये आपने पॉजिटिव सेंस में जवाब दिया है या नेगेटिव सेंस में जवाब दिया है, बट मैंने आपको इस रिप्लाई दे दिया कि हॉटबिट फेक एक्सचेंज नहीं है, हॉटबिट सबके पैसे वापस देगी। कैसे निकाले, विड्रॉ की वीडियो बहुत सारी बनी हुई है, देख लीजिएगा, वीडियो के एंड में भी बता दूंगा थोड़ा सा। सही है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, प्लीज़ हेल्प, मेरा हॉटबिट एक्सचेंज 1.4% DF एसेट कॉइन है, विड्रॉल नहीं दिया। ब्रो, 7 दिन पुराना आपने मुझे मैसेज किया हुआ, आई एम सो सॉरी, मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाया। सही है। मैं इसका सलूशन आपके सामने रख देता हूँ, इसका सिंपल सलूशन, आपने जाना है सबमिट योर प्रॉब्लम। यहाँ पे आपने अपनी कंप्लीट डिटेल्स डालनी है, ट्रांजैक्शन आईडी जिस जो आपको दी थी हॉटबिट ने जब आपने विड्रॉल लगाया था,
और सबमिट कर देना, सिर्फ और सिर्फ इधर ही आपको आपका जवाब मिल जाएगा और कहीं पे भी नहीं मिल सकता। हमारा फ़ंड कब मिलेगा? आप जब विड्रॉ लगाएंगे उसके 24 to 48 hours में या 72 hours में आपको आपका फ़ंड मिल जाता है, और बाकी जो रिमेनिंग फ़ंड है उसकी बात मैं आगे करूँगा। What are the DF asset when can we withdraw my MIMO token in Hotbit? Deficit asset कुछ चीज़ों पे eligible है, जिसमें हमारे पास USDC था, Nexo token आ गया और Hotbit आ गया, क्योंकि उन्होंने 3 to 4 currencies choose की थी जिनकी amount बहुत ज़्यादा थी। अगर आपकी इन चार में से है तो आप withdraw लगा लें, अगर नहीं है तो फिर आपको wait करना है। थैंक यू फॉर योर अपडेट, नो प्रॉब्लम इन दैट। भाई मेरा Hotbit में लॉस हुआ है, वो कैसे क्लेम करो भाई, इसका भी जवाब मैं अभी लास्ट में दूंगा। सो गाइज, ये कुछ सवाल थे जिनके मैंने जवाब दे दिए। अब Hotbit के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग न्यू एक्सचेंज लॉन्चिंग, इनके जवाब मैं आपको देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, अगर मैं नीचे आ जाऊँ तो अगर मैं आपको एक टर्म दिखा दूँ, द डेक्स प्लेटफॉर्म इज़ एक्सपेक्टेड टू बी ऑफिशियली लॉन्च इन Q4 2023। Q4 का मतलब है Q4। हर ईयर के 4 क्वार्टर होते हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। Q4 का मतलब है लास्ट क्वार्टर, मतलब नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर। सितंबर 18 को Hotbit का विड्रॉल की कहानी ख़त्म, अब इसके बाद Hotbit हो जाएगी फ्री, फिर Hotbit वर्क का स्टार्ट कर सकती है न्यू एक्सचेंज पर, सही है, जो कि ये ऑफिशियली तौर पे लॉन्च करेंगे बाय द एंड ऑफ दिसंबर, लेकिन उससे पहले आपको कुछ ना कुछ ये अच्छी पॉजिटिव रिपोर्ट दे देंगे, सही है। तो जितने भी शिट कॉइन्स हैं, मेमो टोकन्स हैं, मीम्स टोकन्स हैं, आपके दूसरे कॉइन्स हैं जिनका विड्रॉ आप लोग नहीं ले पाए, होपफुली Hotbit 2.0 या कोई दूसरी एक्सचेंज जिनके साथ Hotbit पार्टनरशिप करेगा, वो उस पे आपको आपके टोकन्स वापस मिल जाए। लेकिन ये फुली एश्योर्ड बात नहीं है, कंफर्म बात नहीं है, सही है, लेकिन चांसेस यही है कि Hotbit आपके रिमेनिंग एसेट्स उनको ट्रांसफ़र कर दे। सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप बोलते हैं कि Hotbit में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर आपको आपके टोकन डायरेक्टली तौर पर नहीं मिलते, तो Hotbit ने ये भी प्लान किया है कि हम लोग जितने भी एसेट्स हैं उनको लॉक कर देंगे फॉर अ लॉन्ग टर्म, ऑलमोस्ट 2 to 3 years, और फिर उस इन्वेस्टमेंट को ये कन्वर्ट करेंगे हाई लिक्विडिटी एसेट्स पे, और फिर ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप अपने होल्डर्स को न्यू एक्सचेंज पे, सही है। अब ये पुराने होल्डर्स भी हो सकते हैं, और मोस्टली तो ये पुराने होल्डर्स ही होंगे, और बहुत लेस चांस है कि कोई नए यूज़र्स को ये कुछ दे, सही है। और थर्ड थिंग क्या चीज़ है, थर्ड थिंग मैं आपको एक और चीज़, फाइनल चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर मैं Hotbit की कन्फर्मेशन की बात करूँ, सही है, लोग कह रहे हैं ना कि Hotbit टोकन्स का क्या होगा और चीज़ों का क्या होगा, तो उसकी कंफर्मेशन आपको इधर मिल जाएगी। इन Hotbit इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देर इज़ एन एक्सेलेंट डेक्स प्रोडक्ट इंस्पायर्ड बाय GMX। Hotbit हैज़ नेगोशिएटेड विद द प्रोडक्ट टीम एंड द टीम इज़ विलिंग टू यूज़ Hotbit टोकन्स एज द प्लेटफॉर्म टोकन, गिविंग Hotbit अ लॉन्गर टर्म वैल्यू। द Hotbit टीम विल ऑल्सो ट्रांसफर द डोमेन नेम एंड रिमेनिंग एसेट्स टू द न्यू टीम, सही है, ये लाइन देख रहे हैं, इसका मतलब ही ये है कि ये एक प्रोडक्ट है Hotbit के पास जिसकी टीम से इन्होंने ऑलरेडी बात कर ली है, और उसकी टीम का नाम है GMX। उन्होंने बोला है हमारे लिए कोई इशू नहीं है, हम Hotbit का टोकन एक्सेप्ट कर लेंगे और Hotbit को रन करने में आप लोग की मदद करेंगे, और Hotbit ने बोल दिया है कि हम अपनी डोमेन, हम अपना नेम वेम सब आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो एक एज अ न्यू चैनल, एज अ न्यू टीम काम शुरू कर सकते हैं। तो पूरी ऑथेंटिकेटेड न्यूज़ लेकर आता हूँ आप लोग के लिए, ये सब मेरी कोई पर्सनल बातें नहीं है, जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताता हूँ। अनाउंसमेंट फ्रॉम Hotbit टीम का ये पेज है, ये सबके पास शो होता है, आप लोग पढ़े लिखे हैं और आप ये चीज़ें खुद आके भी चेक कर सकते हैं। मैं नॉलेज प्रोवाइड करता हूँ ऑन द बेस ऑफ प्रूफ्स, सही है, मैं कोई ऊपर से बात नहीं है लेकर आता कि ये कब लॉन्च होने वाली है कब नहीं, सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं, एंड आई एम सो सॉरी
फॉर मी बीइंग लेट. थैंक यू सो मच गाइज फॉर कीप व्यूइंग माई चैनल. प्लीज स्टे विद मी एंड आई विल बी पोस्टिंग द वीडियो ऑन डेली बेसिस. थैंक यू सो मच गाइज. हैव अ नाइस डे.